तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फ़ोन देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको इसका मॉडल दिखा दूं। देखिए ये जो फ़ोन है ना दोस्तों, ये रियलमी का फ़ोन है और इसका मॉडल Realme C11, ठीक है। और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है साथ ही वो भी बताऊँ और उसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, इस फ़ोन की जो फोल्डर है ना वो टूट चुका है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, कोई भी ग्राफिक इसमें नहीं आ रहे हैं, ना ही डिस्प्ले की लाइट जल रही है। तो दोस्तों हमें इस फ़ोन का फोल्डर चेंज करना है, यानी कि इस फोल्डर को निकाल कर नया फोल्डर इसके अंदर लगाना है। तो भाई यदि आप मोबाइल मैकेनिक है, आपके मोबाइल की शॉप है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि देखिए, कभी भी आपके सामने इन फ्यूचर ऐसा फ़ोन आ जाए Realme C11 और उसका फोल्डर टूटा हुआ हो, तो यदि आपको उसके अंदर नया फोल्डर लगाना हो पुराना फोल्डर निकाल करके, तो आप किस तरीके से पुराना फोल्डर निकाल करके नया फोल्डर लगा सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस फ़ोन को खोलना है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, खोलने से पहले कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आप खोलें तो उसके अंदर सिम स्लॉट देख लेना, सिम ट्रे लगा होता है, सबसे पहले आप सिम ट्रे निकालना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए होता क्या, जब आप बैक ढक्कन खोलते हैं ना तो उसके अंदर सिम ट्रे लगा होता नहीं, टूट जाता है। तो सबसे पहले आप इसे ही निकालें फ़ोन खोलने से पहले, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने सिम ट्रे को निकाल दिया, अब हम फ़ोन को खोलेंगे, इसके जो बैक ढक्कन है उसे खोलेंगे। उसे कैसे खोलेंगे, देखिए जहाँ से हमने सिम ट्रे को निकाला था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अभी हम यहीं से, आपके पास ओपनर होगा या फिर नाखून से, आप इस तरीके से ये ढक्कन के जो लॉक लगे होते हैं उन्हें अनलॉक करते हुए चले जाएंगे चारों तरफ से, ठीक है, इस तरीके से। जब आप चारों तरफ से इसके जो लॉक लगे होते हैं उन्हें अनलॉक कर दोगे, आपके जो फ़ोन का ढक्कन है ना ये खुल जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से बहुत ही सावधानी से आप इसे खोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ढक्कन को खोलना, ठीक है। ये देखिए बैक ढक्कन हमारा खुल चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी हमें इसके अंदर फोल्डर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ के ये सभी स्क्रू खोलने होंगे, क्योंकि यहीं पर हमारे फोल्डर का पत्ता कनेक्ट रहता है। तो पहले हम सभी स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद जो ब्लैक यहाँ पर पत्ती लगी है इसे भी यहाँ से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों जब तक मैं यहाँ के सभी स्क्रू खोलता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसके सभी स्क्रू खोल दिए हैं यहाँ पर, आप भी ध्यान से सभी स्क्रू खोल देना, कोई भी स्क्रू लगा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ओपनर वगैरह से या फिर हाथ से इस तरीके से इस ब्लैक पत्ती को हटा सकते हैं, ठीक है। ये हटा दिया, अभी देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बैटरी का कनेक्टर हटाना है, ठीक है। ये वाला तो हम इसे सावधानी से हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे बैटरी कनेक्टर को। उसके बाद हमें बैटरी निकालनी होगी, और बैटरी के नीचे ही हमारा डिस्प्ले फोल्डर होता है ना, उसका पत्ता लगा होता है, तो बैटरी के नीचे से ही लगा होता है, तो हमें पहले बैटरी निकालनी होगी। अभी देखिए आप बैटरी को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, वरना मैंने बैटरी किस तरीके से निकाली जाती है उसको लेकर के भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन वीडियो को देख करके बैटरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर इसकी बैटरी को निकाल दिया है, और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा फोल्डर का पत्ता डिस्प्ले वाला, हम इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी कि हटा लेंगे सावधानी से, ठीक है। ये हटा लिया, अभी हम क्या करेंगे, हमें इसका फोल्डर निकालना है, ठीक है। तो जब फोल्डर निकालेंगे तो फोल्डर निकालते समय आप ये ध्यान रखना, या तो आप सेपरेटर का यूज़ कर लेना या फिर SMD मशीन का यूज़ कर लेना, जिससे कि आप क्रोम को ना तोड़ें, ठीक है, क्रोम नहीं टूटना चाहिए। सावधानी से आप फोल्डर निकाल करके अलग रख देना ये वाला, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ज़्यादातर फोल्डर निकालता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं आसानी से ओपनर से यहाँ से फोल्डर निकाल दूंगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से, और साथ ही आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप फोल्डर निकालें तो जिसका ईयर स्पीकर होता है, जिससे कान में आवाज़ आती है, वहाँ पर जाली लगी होती है, आप जाली ज़रूर सावधानी से निकाल लें, और जो भी आप नया फोल्डर लगाएं उसके अंदर जाली को लगा देना, ठीक है, वरना जाली नहीं लगा पाते हैं बहुत से भाई, तो जाली ऐसे ही रह जाती है। तो यदि आपके ओल्ड फोल्डर के अंदर जाली लगी हुई हो तो आप जाली निकाल लेना और नए फोल्डर के अंदर जाली को लगा देना जो यहाँ पर लगी रहती है, ठीक है। दोस्तों इस फोल्डर के अंदर नहीं लगी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लगी आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। देखिए हमने फोल्डर को निकाल दिया है, अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखना इसके चारों तरफ आपको चिपकाने वाले गम वगैरह लगी मिलेगी, आप पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लेना सर्जिकल ब्लेड की सहायता से या फिर आप ओपनर वगैरह से, क्योंकि दोस्तों जब हम इसके ऊपर नया फोल्डर लगाएंगे ना तो वो अच्छे से सेट नहीं चिपक पाएगा यदि हमने इसे नहीं हटाया। तो आप पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लेना, उसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका जो क्रोम है चारों तरफ से इसे क्लीन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी कोई गम नहीं लगा है पुराना, मैंने सभी चारों तरफ से इसे क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोल्डर लगाएंगे।
तो देखिए फोल्डर लगाने से पहले हम इसके चारों तरफ यहाँ पर जिससे हम फोल्डर चिपकाते हैं, जो भी गम वगैरह आपके पास ट्यूब वगैरह हो आप उसे लगाएं, ठीक है, जिस किसी चीज़ से भी आप फोल्डर चिपकाते हैं। तो आपको चारों तरफ लगाना है और ये ध्यान रखना ये आपको कैमरा या फिर स्पीकर के ऊपर नहीं लगाना है, या फिर सेंसर होते हैं सेंसर के ऊपर नहीं लगाना है। बाकी सभी जगह जो लाइनिंग सी बनी रहती है क्रोम वाली, ये आप इसमें चारों तरफ लगा देना, ठीक है, जिससे कि फोल्डर अच्छे से चिपक जाए। और ये भी नहीं है कि आपको ज़्यादा भरना है, आप अपने हिसाब से लगाएं, ठीक है। दोस्तों देखिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली गई है तो लाइटिंग आपको यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस तरीके से चारों तरफ ये चिपकाने वाली गम लगा देना इसी लाइनिंग में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर गम लगा देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फोल्डर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये फोल्डर जो मैं इस फोन के लिए लेकर के आया हूँ, तो जब आप फोल्डर लेकर के आएंगे ध्यान रखना, देखिए फोल्डर के पीछे की तरफ आपको इस तरह की टेपिंग भी लगी मिल सकती है, तो आप ये छुटा देना, ठीक है। पहले आप ये वाला छुटाएंगे, उसके बाद आप ये वाली टेपिंग छुटाएंगे, और ये छुटाने के बाद आप फोल्डर का जो पत्ता है इसे इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है, ये चिपक गया। अब हम इस फोल्डर को लगाएंगे, तो लगाएंगे कैसे, देखिए हमारी जो डिस्प्ले का पत्ता है फोल्डर वाला वो ये है, उसे यहाँ से हम दूसरी तरफ निकालेंगे इस तरीके से, और सेट करके फोल्डर को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, रख दिया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा डिस्प्ले का पत्ता है इसे हम यहाँ पर बोर्ड के अंदर कनेक्ट करेंगे, अच्छे से कनेक्ट कर देना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अभी हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, ये इसकी बैटरी है, ठीक है, और बैटरी का जो हमारा कनेक्टर है वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए बैटरी कनेक्टर भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, और अभी जो हमने यहाँ से ब्लैक वाली पत्ती वो हटाई थी हम उसे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो ये है वो ब्लैक वाली पत्ती, हम यहाँ पर इसे रखेंगे सही करके, और इसके हमने जितने भी स्क्रू खोले थे वो सभी स्क्रू हम यहाँ पर लगा देंगे। जब तक मैं स्क्रू लगाता हूँ तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ दोस्तों, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले स्क्रू लगा देता हूँ। तो अभी ये देखिए दोस्तों मैंने इसके सभी स्क्रू भी यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका हमारा बैक ढक्कन है हम वो बैक ढक्कन यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही सावधानी से इसका बैक ढक्कन लगाएंगे, और जैसे हमने इसके बैक ढक्कन को खोला था अनलॉक किया था उसी तरीके से हम सभी लॉक इसके लगा देंगे, तो हमारा बैक ढक्कन भी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अभी चलिए हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो फोल्डर लगा है वो सही लग गया है या फिर नहीं, तो हम इस फ़ोन को यहाँ पर ऑन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे डिस्प्ले भी आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो फोल्डर है वो अच्छे से लग गया है, ठीक है। तो अभी बस हमें क्या करना है, आपके पास लेमिनेशन की टेपिंग वगैरह होंगी या फिर रबड़ बैंड हो आपके पास, तो आप इस पर लगा करके इसे फिक्स कर देना, और 2-3 घंटे बाद आप उन्हें हटा देना, आपका फोल्डर अच्छे से लग करके तैयार हो जाएगा। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं रियलमी C11 और हमने जो फोल्डर लगाया है वो भी यहाँ पर लग चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे, और अब यकीनन आप रियलमी C11 मोबाइल का फोल्डर लगा सकते हैं। मिलते हैं फिर जैसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।